I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number 39, and we are going to talk about mindfulness training methods. Mindfulness training is very important for our creativity and innovation. For creativity and innovation, and optimum decision making, there are certain trainings that we have to go through. Typically speaking, a mindfulness training session. मे बी स्प्रेड ओवर एट वीक्स एंड एवरी डे वी मे हैव टू और थ्री आवर सेशंस एंड फोर्टी फाइव मिनट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ एवरी सेशन सो इस परस्पेक्टिव से हम प्रैक्टिस जब करेंगे फोर्टी फाइव मिनट्स की इन एवरी सेशन सो उससे हमारी जो माइंडफुलनेस है वो डिवेलप हो पाएगी स्टडीली एंड ग्रेजुअली और उस माइंडफुलनेस की डिवेलपमेंट से ऑब्वियसली वी बेटर एबल टू कम अप विद फर्स्ट वन वुड दैट माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन किस तरह से आप अपने माइंड के कूलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सकते हो सो दैट चैलेंजेस का स्ट्रेस सिचुएशन का स्ट्रेस वो आपको कम से कम मुतासर वो कर सके और आप अपने अप्रोच माइंड को यूज़ करते हुए आप अपने एक्टिवेशन माइंड को यूज़ करते हुए बेहतर फैसले की तरफ वो जा सकें जिसमें कि आपका एंथोजिज़म आपकी एंगेजमेंट आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेहतर से बेहतर हो और पॉजिटिव हो द सेकेंड एस्पेक्ट इन द माइंडफुलनेस ट्रेनिंग जिसके ऊपर फोकस किया जाता है एंड दैट इज़ माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्नेटिव थेरेपी जिसमें हमारे इमोशंस मूड्स इन सब को देखा जाएगा और हमें ट्रेन किया जाएगा कि हम कैसे इमोशनल लेबर बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारे बिलीव्स हमारे वैल्यू सिस्टम्स वो किस तरह से हमें क्रिएटिविटी की तरफ वो लेकर जाएंगे सो so, उस कॉग्निटिव थेरेपी में हम अपने जहन को कंट्रोल करना वो जान पाते हैं इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस ट्रेनिंग का एक बहुत अहम जो स्टेप है दैट इज मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। जिसमें आपको तदब्बर और तफक्कुर के साथ साथ आपको अपने जहन को नॉर्मलाइज करने का तरीक़ाकार भी सिखाया जाता है और आपको यह बात भी बताई जाती है कि आप अपने फोकस को किस तरह बेहतर मेंटेन वो कर सकते हो सो लीडर्स आर बेसिकली इनवाइटेड टू बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर अनफोल्डिंग एक्सपीरियंसेस बहुत सी ऐसी चीजें जो लीडर्स के ब्लाइंड स्पॉट्स का पार्ट है उनको ओवरकम करने में उनको मदद मिलेगी व्हेन दे गो थ्रू दीज मेडिटेशन प्रैक्टिसेस वेन वी टॉक अबाउट मेडिटेशन तो जाहिर है कि मेडिटेशन के डिफरेंट हमारे पास तरीके कार मौजूद हैं इट कैन बी दिलेटेड टू फोकस ऑफ अ टेंशन आप किसी मामले के अंदर अपनी यूनिटी ऑफ थॉट को कैसे बरकरार रख सकते हो और आपको किन बातों पर फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है द सेकेंड एस्पेक्ट इन द मेडिटेशन प्रैक्टिस कैन इवन बी लिंकिंग अस टूवर्ड्स द फिजिकल एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू द योगा जिसमें के आपको मेडिटेशन के डिफरेंट तरीके वो सिखाए जाते हैं और आपको यह बताया जाता है कि आप बॉडीली अपनी एनर्जीज को किस तरह से डाइवर्ट कर सकते हो टू सपोर्ट प्रमोट एंड नर्चर द माइंड एक्टिविटीज द थर्ड एस्पेक्ट इन दिस मेडिटेशन परस्पेक्टिव वुड बी माइंडफुल ईटिंग ड्राइविंग एंड वॉकिंग बेसिकली हमारा कंसर्न यह है कि हमारा किरदार हमारी गुफ्तार हमारा चाल हम सब एस्पेक्ट्स में अपने आप को माइंडफुल बनाएं हमारे फिल बदी रिएक्शन ना हो हमारे तमाम तर प्रस्पेक्टिव वो कॉन्शियस माइंड कंट्रोल में हो और उस कॉन्शियस माइंड कंट्रोल में होने से हम बेहतर तौर अपने फैसलों को वो कर पाएंगे और हम क्रिएटिव और इनोवेटिव भी हो सकेंगे अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जिंदगी के बहुत से मामलों में अपने आप को बेहतर तौर पर प्रेजेंट करने के लिए यू मे हैव टू मेडिटेट फॉर टाइम यू मे हैव टू बी मोर कॉन्शियस you may have to be more mindful or in tamam exercises say no doubt benefit would be yours thank you